फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटीज। सो आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि नेचुरल गैस के सेप्टर में फ्यूचर्स करेंटली यहाँ पर मार्केट में किस तरह से ट्रेड करो और यहाँ पर आपको किस तरह का प्राइस मोमेंटम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। सो एज ऑन द फैक्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो ट्रेंड में करंटली यहाँ पर नेचुरल गैस ट्रेड हो रहा है वो एक हो रहा है दैट इज अच्छा सा अपर हाई यहाँ पर हमें देखने को फॉर्म होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा सा अप ट्रेंड हमें जरूर बताता है। बट उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि इंट्रा डे पोजिशन के अंदर यहाँ पर आपको कौन से प्राइस लेवल पर एंट्री एज वेल एज एग्जिट लेनी है। सो दो दिन से हम यहाँ पर कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि प्रीवियस डे का यहाँ पर हाई प्राइस जैसे ही ब्रेक कर रहा है तो बहुत ही अच्छा से हमें यहाँ पर सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद वो प्राइस का ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आपको नियरली दो दिन से दैट इज नियरली तीन दिन से यहाँ पर जो हमारे इंटरडे टारगेट्स हैं वो बहुत ही अच्छा से मैसिव प्रॉफिट के साथ यहाँ पर कैलकुलेट हो रहे हैं। सो एज ऑन द फैक्ट अगर मैं यहाँ पर आज की भी बात करता हूँ, वेट अ मिनट, हम इसको थोड़ा बहुत बोल्ड कर लेते हैं। दैट इज अगर आज की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 395.5 का अगर प्राइस लेवल अगर आज भी बुलिशनेस के साथ तोड़ता है विद द इंडिकेशन ऑफ दैट इज एमएसडी के इंडिकेशन के साथ अगर तोड़ता है तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छा यहाँ पर आपको अप ट्रेंड जो है यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिल सके। बट उसके साथ साथ मैं आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पर रैली हमें यहाँ पर अपवर्ड रैली देखने को मिली, अगर समझ लो शॉर्ट पोजिशन भी यहाँ पर अगर आपको मौका मिले दैट इज 383.41 या फिर 383 का प्राइस लेवल काफी स्ट्रॉग है डाउनसाइड के लेवल के अंदर। सो अगर उसको भी ब्रेक करता है डाउनसाइड के लेवल के अंदर तो हमें यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास सेकेंड सपोर्ट लेवल जो है हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है वो एट द प्राइस ऑफ अराउंड 371.2 के नियर बाय। एंड अगर अभी की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि RSI का जो प्राइस मोमेंटम है वो एकदम अच्छे से मिड मोमेंटम पे चल रहा है, कि ज़्यादा ओवरबॉट जोन पे ना फिर कोई एक अच्छे से ओवरसोल्ड जोन पे। सो ये प्राइस मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने मिलती है। सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हमें एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने मिले या फिर एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर फॉलो होते हुए देखने को मिल सकता है। सो अगर आप यहाँ पर आज भी अगर आप इंट्राडे के अंदर दैट इज नेचुरल गैस के अंदर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो आज भी एक अच्छा सा प्राइस मोमेंटम जो है वो हम यहाँ पर जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। MACD की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो MACD ने अभी तक हमें कोई नया इंडिकेशन नहीं दिया, बट फिर भी अच्छा सा सबमर्ज प्राइस लेवल पे यहाँ पर करंटली ट्रेड कर रहा है। सो एक अच्छा सा यहाँ पर हमें प्राइस मोमेंटम जो है वो जरूर देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एज वेल एज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।